पार्टी की आई है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और देखिए कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं, कैंडिडेट जिन प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है उसमें सबसे मजबूत दावेदार जो उतारा गया है शिवपाल यादव, और 31 लोगों के नाम इस पूरे लिस्ट में शुमार है। आपको बता दें कि 31 लोगों के नाम है बकायदा इस पूरे लिस्ट में शुमार है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने यूपी की ये तीसरी जो लिस्ट है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से जुड़ी हुई ये लिस्ट सामने ला दी, और इसमें 31 प्रत्याशियों के नाम है। नाम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और फिलहाल जो 5 नाम सामने आए थे वो हमने आपको सबसे पहले दिखाए। उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से अपना कैंडिडेट घोषित किया है। बदायूं से शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बरेली से प्रवीण सिंह एरन समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट बनाए गए हैं। अगला नाम सुरेंद्र सिंह का आता है क्योंकि सभी जानते हैं वाराणसी काफी हाई प्रोफाइल सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सांसद हैं, और ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। 31 नाम सामने आ चुके हैं, अब से कुछ ही देर बाद वो नाम भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। फिलहाल ये 5 नाम है, आप देखिए। बदायूं से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। कैराना से इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया गया है। बदायूं से शिवपाल यादव प्रत्याशी है। बरेली की अगर बात करें तो प्रवीण सिंह एरन को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में बनाया है। अजेंद्र सिंह राजपूत को हमीरपुर से उतारा गया है। आपके सामने पूरे ग्राफिक्स आप देखिए, कौन कौन कहां से प्रत्याशी है। सपा प्रत्याशी है तीसरी लिस्ट जिसमें 31 लोगों का जिक्र किया है, वो तमाम नाम आपके सामने आपकी सहूलियत के हिसाब से पूरा ग्राफिक्स है। और प्रवीण सिंह एरन, बरेली से प्रवीण सिंह एरन को सपा प्रत्याशी बनाया गया है, ये तीसरी लिस्ट है बकायदे, इसमें 31 नामों का जिक्र है कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और देखिए शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा है बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बदायूं से शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव 2024 का। तो लगातार तमाम जो चीजें हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। इससे पहले 2 लिस्ट सामने आ चुकी है समाजवादी पार्टी की, और वाराणसी से अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस इलाके से सांसद है, वाराणसी से सांसद है, और वहां से समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। वाराणसी से सुरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। वाराणसी से सुरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बदायूं से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव, तो तीसरी लिस्ट सामने आ चुकी है, और देखिए इसमें शिवपाल यादव का नाम सामने आया है। जहां अभी देखा गया कि एक बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटित हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें जुदा हुई, वहीं दूसरी तरफ उसी बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट सामने आई ला दी है। और जिस तरीके से अभी हम लोग वीरेंद्र जी से बात कर रहे थे उनका भी यही कहना है, जो उनका अपना विश्लेषण है कि ये देखिए अब राहें पूरी तरह से जुदा हो चुकी है, किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं दिख रही है इस गठबंधन में, और अब आगे वर्तमान की जो राजनीति है, वर्तमान जो भविष्य की राजनीति है उसके हिसाब से फिलहाल 2024 में ये दोनों दल अलग थलग दिख रहे हैं। बात हो रही है समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट की, तीसरी सूची की, जिसमें तमाम नाम सामने आ चुके हैं। अब तक 31 नामों का जो जिक्र है वो किया जा रहा है, 31 लोगों के नाम हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट में तरजीह दी है, जगह दी है, और अभी 5 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का जिक्र हम कर रहे हैं। 5 लोकसभा सीटों पर आपको बता दें कि जो नाम है वो सामने आ चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बदायूं से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। बदायूं से शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। कैराना की अगर बात करें तो इकरा हसन को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है, कैराना से इकरा हसन को बनाया गया है। दीपक रंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभा के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है दीपक रंजन जी भारत समाचार पर आपका। समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट इसमें कई लोगों का जिक्र किया है, और सबसे महत्वपूर्ण नाम तो बदायूं से शिवपाल यादव का सामने आ रहा है, यहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी नमस्कार,
नमस्कार स्वाति जी जी। देखिए आज 500 की लिस्ट चाहिए, कुछ लोगों को उसमें 2-3 लोगों को प्रभारी भी बनाया गया है, लोकसभा प्रभारी बनाया गया है और आदेश धर्मेंद्र यादव जी को दो जगह का दो कॉन्स्टिट्यूएंसी का आजमगढ़ और कन्नौज का प्रभारी बनाया गया है। और साथ ही साथ आपने सदन में सुना होगा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी ने, जो समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि मैं जिस सूची में चाहूंगा जहां चाहूंगा तो वहां पर अपना नाम दर्ज करूंगा। तो ये सही है, धर्मेंद्र जी जो है धर्मेंद्र जी से राय मशवरा करने के बाद आदेश बताएंगे तो प्रत्याशी बनाएंगे जी जी बिल्कुल। साथ ही साथ पीडीए जिसका जिक्र अखिलेश यादव बार बार करते थे, वो पीडीए का भी असर इस पे काफी ज्यादा दिख रहा है, प्रत्याशी दिख रहे हैं पीडीए वाले सारे? बिल्कुल, आप तीनों लिस्ट उठा करके देखिए, पीडीए हमारा मूल मंत्र है, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो पीडीए जो है वो उनको उनका हक और उनका सम्मान दिलाने की लड़ाई सदैव समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ती चली आ रही है। और जिस तरीके से लोकसभा प्रत्याशियों में आपने देखा होगा, लोकसभा प्रत्याशियों का जो घोषणा हुई, जो चयन हुआ है, उसमें देखा होगा आपने कि पीडीए किस तरीके आईपी सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आईपी सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। आईपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं? फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है। तो समाजवादी पार्टी ने 5 और लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए हैं। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, ये तो चलिए तीसरी लिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटित हुआ, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें जुदा हो गई, इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? देखिए, गेंद अब कांग्रेस पार्टी के पाले में है। समाजवादी पार्टी ने 17 लोगों की लिस्ट उनको बनाकर के दे दी और वो लेकिन सीट से ज्यादा जीत पे ध्यान देना है, क्योंकि जो सीटें इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक जीत सकता है उस पर फोकस करना है। और उन सीटों को जैसे कांग्रेस पार्टी जहां से जीत सकती है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में, जो समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस पार्टी बिजनौर मुरादाबाद बलिया मांग रही, तो बिजनौर हमारी गठबंधन जो पिछले बार हमारी अलायंस थी उसमें आपने जीती थी, मुरादाबाद समाजवादी पार्टी की सीट है और आप भी बलिया में 7-8-10 हजार वोट से हारे थे सनातन पांडे जी। तो अगर आप देखिए तो ये कहाँ से पॉसिबल है, और ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि गठबंधन धर्म कैसे निभाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और समाजवादी पार्टी ने उनको 17 सीटें उनको दी और 17 सीटों में इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से मेहनत करेगा तो मैं समझता हूँ। तो ये माना जाए कि ये टूट पूरी तरह से हो चुकी है, क्योंकि अब तो देखिए आप लोग अपनी तीसरी लिस्ट ला चुके हैं, अब तो बहुत गुंजाइश भी ना के बराबर ही दिख रही है। नहीं देखिए, ये मीडिया में ही ज्यादा दिख रहा है, गठबंधन टूटा भी है, जो वरिष्ठ नेता है दोनों पार्टियों के उन लोगों की आपस में बात चल रही है और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इसका रास्ता, कोई ना कोई इसका हल विद इन कपल ऑफ डेज। दीपक जी, लड़ाई का तो उपचार हो जाता है लेकिन टूट का क्या उपचार है, बता पाएंगे? तो अभी कही अगर आपको ऑफिशियल पेज से आ गया हो या कांग्रेस पार्टी के पेज से आ गया हो या समाजवादी पार्टी के हैंडल से आ गया हो, एक्सटेंडल से आ गया हो, आप बताइए। यानी कि आप अभी कह रहे हैं गुंजाइश है दोनों दलों के बीच बातचीत अगर संभव हो जाएगी तो सारी चीजें ट्रैक पर दिखेंगी जी। पूरी तरीके से बात चल रही है और मैंने तो कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव गठबंधन स्तर पे बाकी रही है और समाजवादी पार्टी आज भी चाहती है कि इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट रहे, क्योंकि ये लड़ाई देखिए देश को बचाने की, संविधान को बचाने की है और लोकतंत्र को बचाने की। ठीक है, यानी कि आपके मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए दीपक रंजन जी, भारत समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों काफी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है, हालांकि नेता जो जुड़ रहे हैं उनका ये साफ कहना है कि चीजें अभी चल रही हैं, अभी स्पष्ट तौर पर कुछ वो कहने को तैयार नहीं है, कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिलहाल स्पीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने 5 लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए हैं, ये तीसरी लिस्ट है। तो चुनाव की जोरदार तैयारियां इस वक्त सभी दलों में चल रही है, सभी दलों ने कमर कस ली और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी इस वक्त एक हाथ यहां पर आगे नजर आ रही है। 5 लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और सबसे